इस्लामाबाद के एक ऐसे होटल में जिसका नाम ही चाय पोटली है, वो चाय के लिए मशहूर है, लेकिन हम यहाँ पे देखें कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इफ्तार के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम देखते हैं कि इनकी इफ्तार में ऐसी क्या खास बात है, इसके रेट्स क्या क्या रेट्स हैं, कम रेट्स की वजह से लोग आए हैं या क्या। ये है जी इनका इफ्तार प्लेटर, जिसमें आपको नज़र आ रहे होंगे पकोड़े, समोसे, चना चाट, फ्रूट चाट, दही बड़े और कोल्ड सैंडविचेस। जामे शीरी और मिंट मार्गरीटा भी इनके इफ्तार प्लेटर में शामिल है। ये दही बड़े इनके इतने सॉफ्ट, गरम गरम रोल और चटनी, आलू वाले रोल और आलू वाले ही समोसे थे, पकोड़ों के साथ ग्रीन चटनी मज़ा दुबाला कर देती है वैसे रमज़ान में। मिंट मार्गरीटा तो मेरा हमेशा से फेवरेट और बहुत अच्छा टेस्ट इसका। इफ्तार प्लेटर के बाद ये है इनका डिनर प्लेटर। डिनर प्लेटर में शामिल है बीफ चिली ड्राई, चिकन मंचूरियन, फ्राइड राइस, चिकन और बीफ स्टेक, दोनों अवेलेबल थे और दोनों सर्व हुए थे। सबसे अच्छी जो चीज़ इनकी थी, रीफिल का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप जितनी दफ़ा चाहें रीफिल कर सकते हैं। और दूसरी जो अच्छी चीज़ है वो है पोर्शंस में, क्योंकि हम जाते हैं खाना बहुत ज़ाया करते हैं, तो इन्होंने टेबल पे सर्विंग की और पोर्शंस में की, जिससे खाना ज़ाया होने से बच जाता है कम अज़ कम। उसके बाद हमने एक और चिकन स्टेक ऑर्डर किया, क्योंकि हमारा वो खा के दिल नहीं भरा और हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए बैठे थे, हमने कहा एक और स्टेक खा लेते हैं बैठे बैठे। और इतना कुछ खाने के बाद हमें चाय की शदीद तलब हो रही थी, और जब चाय मिले वो भी फ्रेश दूध की कड़क चाय, तो मज़ा दुबाला हो जाता है। गिज के रेस्टोरेंट पे भी हमने देखा, वहाँ पे इतना कोई खास रश नहीं था, यहाँ पे रश होने की वजह भी शायद यही है कि इन्होंने इतनी सस्ती चीज़ बनाई है, वो भी इस्लामाबाद के लिए, और टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, तो आप आइएगा और लाइए।